जानकारी है और मैंने प्राप्त भी की है, उत्तर प्रदेश में जो विकास की नींव फिलहाल पड़ रही है उसका असर देश और विदेश में पड़ेगा। मित्रों, सितंबर 2022 में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट हुआ है, जिन्होंने हम पर सैकड़ों साल राज किया उनको पछाड़कर भारत दुनिया की पांचवी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनी और उत्तर प्रदेश के सहयोग की वजह से इस दशक के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति होगी आर्थिक व्यवस्था में। आज के दिन हर भारतीय का सीना और मनोबल प्रकाष्ठा पर है। ऐसे मामलों में वो कहते हैं ना, खीर को खराब नहीं करने देंगे ना। जो भी हमारी इतनी बड़ी व्यवस्था जिस पर पूरे देश को नाज है, हर भारतीय को नाज है, दुनिया कौतूहल से हमारी तरफ देख रही है, वी कैन नॉट अलाउ एनीवन टू टेंट टार्निश एंड डैमेज आवर रेपुटेशन। इसमें आप सबका बड़ा भारी कर्तव्य है और मैं मानकर चलता हूं कि आप निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब नेताजी बोस के बारे में शुरुआत की पश्चिम बंगाल में, जब अंडमान निकोबार में जाकर उस जगह झंडा फहराया जहां नेताजी ने फहराया था, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को इंडिया गेट पर रखा है, उस समय उन्होंने एक बात कही थी पश्चिम बंगाल में, मैं राज्यपाल था, कि हमें हमारे शहीदों को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इतिहास ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। पहला अन्याय तो यह है कि 1857 को क्या कहते हैं, म्यूटिनी, गदर। अरे वो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, हमारे अधिकारों की लड़ाई थी। जब मैंने यहां जानकारी प्राप्त की है तो आप देखिए 1824 का कूजा बहादुरपुर रुड़की और देहरादून क्षेत्र में के राजा विजय सिंह तथा उनके सेनापति कल्याण सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया गुर्जर स्वाधीनता संग्राम। कितनी बड़ी बात है, इस क्रांति का उल्लेख हमने कभी नहीं किया। इस क्रांति का उल्लेख अंग्रेज इतिहासकार जेम्स ग्रांट की पुस्तक में मिलता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो देश में पहल करें और अपने उत्तर प्रदेश में, उत्तम प्रदेश में जो भी स्वाधीनता संग्राम में लोगों का योगदान हुआ है उनको चिन्हित कर ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें। मेरठ के निकट बड़ौत में जाट सरदार सामल सिंह तोमर ने आजादी का ऐलान किया था जिसका जिक्र हमें कहीं मिलता नहीं है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आप ये देखिए 18 वर्षीय जाट समुदाय की किशोरी शिवदेवी तोमर 17 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। कहां कहां नजर फैलाएंगे सब जगह ये मिलेंगे। वंचित वर्ग से आने वाली मुजफ्फरनगर क्षेत्र की महावीरी देवी और उनके साथ 22 वीरांगनाओं तो
मेरठ क्रांति के दो दिन पहले ही अंग्रेजों पर हमला बोल दिया, अनेक सैनिकों को मार गिराया और अंत में 22 की 22 वीर गति को प्राप्त हो गई। मध्यकालीन भारत में देखें तो मेरठ और हरिद्वार के बीच का जो इलाका है, वीरांगना रामप्यारी गुजर, जिन्होंने 40,000 वीर वीरांगनाओं की सेना एकत्र की और तैमूर को खदेड़ा। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि मैं एक क्षेत्र पर केंद्रित कर रहा हूं। मेरे गृह प्रांत राजस्थान में जाऊंगा, आपको मिलेगा। हमारे देश में राष्ट्रवाद की कमी कभी नहीं रही। इस मामले में हमारा डीएनए दुनिया में सबसे मजबूत है। कौन सा देश 5,000 से ज्यादा साल की संस्कृति का धरोहर है? भारत है। चूंकि आज धनसिंह गुर्जर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, हमको संकल्प लेना चाहिए हर परिस्थिति में हम देश को आगे रखेंगे। वी विल ऑलवेज कीप आवर नेशन फर्स्ट, वी विल ऑलवेज बी प्राउड इंडियंस एंड टेक प्राइड इन आवर accomplishments। इस मौके पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा नजरिया हमारे पुलिस पर और उनके परिजन पर बदलना चाहिए। इनका योगदान समाज में स्थायित्व के लिए है, कानून व्यवस्था को सही करने के लिए है। हां, जब हालात दूसरे थे, इनको सही तरीके से काम करने का मौका नहीं मिला। आज के दिन जब व्यवस्था सुदृढ़ है, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल कह सकते हैं, तो डर किसके मन में है? जो लोग पुलिस को डराते थे, अधिकारियों को डराते थे और कुछ भी करते थे, कोई टोकने वाला नहीं था, आज के दिन कानून अपना काम कर रहा है कि आपके मुख्यमंत्री को एक नया नाम तक दे दिया गया है। मैं अंत में यही कहूंगा कि मेरे लिए तो ये यादगार पल है, पर आज जब अपना भारत बहुत ऊपर जा रहा है, कुछ लोगों ने ठान ली है कि हमें भारत की प्रतिष्ठा को कुंठित करना है, भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। उनमें एक देखिए जो मेरी आंखों के सामने मैं देखता हूं, मैं राज्यसभा का सभापति हूं, लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है, और कोई बाहर जाकर कहता है कि इस देश में माइक ऑफ होता है। कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? छाती पर कितना सांप लौटता होगा। हां, देश के अंदर संकट आया था इमरजेंसी के दौरान, माइक भी बंद हुई थी, जेल में उन लोगों को रख दिया गया जो राष्ट्र भावना से प्रेरित थे। वो दिन अब कभी नहीं आ सकता। ऐसे मौके पर मैं आप सबसे एक आह्वान करूंगा, आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, हाथ जोड़कर, आप अपने विचारों को खुलकर रखिए, उन शक्तियों के बारे में चुप्पी मत साधिए, निर्भीक होकर अपनी बात कहिए। ये आपका दायित्व है, आप ही कर सकते हैं, आमजन ही कर सकता है। यदि अगर आपको संसद में व्यवस्था चाहिए, आप चाहें कि आपका सांसद वहां ठीक आचरण करे, संसद के अंदर बहस हो,
उस मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार से डिस्टर्बेंस न हो आपकी जिम्मेवारी है। जब आप इन मामलों के अंदर दखल देंगे, प्रोत्साहन नहीं देंगे, उनको कुंठित करेंगे, निश्चित रूप से सब रास्ते पर आएंगे। एक बार फिर यहां आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं यहां से पॉजिटिविटी लेकर जा रहा हूं। आई एम लिविंग दिस प्लेस फुली सरचार्ज, एनर्जाइज, मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड। और मुझे अंत में यह कहने में कोई संकोच नहीं है, जो भी उत्तर प्रदेश में रह रहा है भाग्यशाली है। उत्तर प्रदेश का योगदान देश की विकास में जबरदस्त हो रहा है, आगे होगा, और भारत का भविष्य 2047 तक, हम में से कुछ लोग उस समय नहीं होंगे, पर ऑल यंगस्टर्स विल बी देयर। यू आर वॉरियर्स ऑफ 2047, और मेरे मन में कोई शंका नहीं है, उस समय भारत विश्व गुरु होगा, उस समय भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होगा, और यह दुनिया के लिए सबसे बड़े फायदे की चीज है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें एक ही ज्ञान देती है, वसुदेव कुटुंबकम, पीस, हार्मनी एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार, जय हिंद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जोरदार तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए, और अपनी सकारात्मक भाव को